हत्या हुई उसी दिन मुझे समाचार मिला और अगले ही दिन सुशील सिंह माननीय सांसद भी आए थे यहाँ पर और भी पार्टी के लोग आए और आज मैं यहाँ पर आया हूँ। एक तो ये हत्या के अंदर और भी कई लोग शामिल हैं ऐसा लगता है, केवल अकेले शंकर दास की कार्रवाई नहीं हो सकती है। 18 साल की लड़की को की हत्या करना और ये चाकू खरीद कर लाया, जैसा बता रहे हैं चाकू था दो दो तीन तीन चाकू, तो हत्या की नीयत से और ये घटना घटी है। लेकिन इसमें शंकर दास अकेले नहीं है, इसमें और भी कई लोग शामिल हैं। तो पुलिस को इस पूरे मामले की तहकीकात करनी चाहिए कि शंकर दास के और कौन दोस्त लोग थे जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल हैं। ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन कुछ लोगों को बचाने में लगी है या दबाने में लगी है। अभी मैंने एक फ़ोटो देखा शंकर दास का, उसके हाथ में राइफल था, तो गरीब परिवार का लड़का, उसके पास राइफल कहाँ से आया? तो इसमें ये शंका पैदा होती है कि शंकर दास के अलावा और कुछ लोग शामिल हैं जिसकी पुलिस अभी तक तहकीकात नहीं कर पाई है। तो पहली बात तो ये कि अन्य कौन लोग थे, शंकर दास का किन किन लोगों से संबंध था, उस लड़की का मोबाइल शायद अभी तक नहीं मिला है, लड़की का मोबाइल बरामद करना चाहिए, परिवार वालों ने भी कुछ नंबर दिया है जो लोगों की जानकारी में था कि अभी तक पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी बात कि जिस शंकर दास को पुलिस ने गिरफ्तार किया, आखिर उसकी मौत कैसे हो गई थाने में? क्योंकि अगर पुलिस कस्टडी में कोई मौत होती है तो इसकी जिम्मेवारी पुलिस पर पड़ती है, पुलिस की होती है, क्योंकि वो आपके कस्टडी में, वो भाग कर नहीं गया कि कहीं भाग कर कूद गया, कुआं में कूद गया, बाकी कुछ कर गया। और अगर हाजत में बंद है तो हाजत में तो खूटी होता नहीं है, तो हाजत में कैसे वो फांसी लगा कर मर गया? तो इसमें संदेह पैदा होता है कि उसकी जो मौत हुई है वो संदिग्ध मौत है। और अगर ये पुलिस करी कि चूहा खाने, चूहा की दवा खा लिया, तो चूहा की दवा खाने के बाद तो आदमी दो चार घंटे में टैंक कर जाएगा, तो इसलिए उसकी जो मौत हुई है ये भी संदिग्ध संदेहास्पद है और इसके लिए पुलिस पूरी तौर पर जिम्मेवार है। क्योंकि अगर आपकी कस्टडी में कोई मौत होती है इसकी जिम्मेवारी पुलिस पर होती है, ये आपको काम था देखभाल करना। कोई आदमी दो मिनट में तो फांसी नहीं ना लगा लेगा भाई, वो घंटा दो घंटा प्रयास करता है, चीज़ों को करता है, तब जाकर और कोई फांसी लगाता है, आत्महत्या करता है। तो इसमें भी संदेह और संदिग्ध जो है, संदेह की बू आ रही है। इसलिए मैं बिहार सरकार से ये मांग करता हूँ कि इस पूरे मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया जाए, विशेष जांच दल, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT, जो पूरे मामले की जांच करे कि आखिर वो बंदूक कहाँ से आया, उस लड़के के पास इतना गरीब लड़का बंदूक के साथ फ़ोटो खिंचा रहा है, और कौन लोग शामिल थे, क्योंकि एक हत्या केवल एक अकेले नहीं कर सकता है, इसमें दो चार लोग जिसके मित्र हैं उनकी सहभागिता इसमें कहीं ना कहीं है, और इनके दोस्तों ने वो फोटो वायरल किया। ये जो फोटो वायरल हुआ लड़की का, ये किसने किया वायरल? उसका मोबाइल नंबर देखना चाहिए था, आजकल तो IT का ज़माना है, कौन वायरल करने वाला, कहाँ से फ़ोटो आया, कब फ़ोटो लिया गया, सारा चीज़ की जानकारी हो सकती है। और दूसरी बात ये कि जो लड़का आत्महत्या किया, इसमें भी संदेह हम लोगों को कि उसने आत्महत्या की है, कोई और मामला हो सकता है। अब क्या मामला हो सकता है ये जांच का विषय है, लेकिन ये आत्महत्या का मामला नहीं हो सकता है। एक सवाल है सर, पूरी बात कर लेना, ये पूरे तौर पर पुलिस इसके लिए जिम्मेवार है। इसलिए जो भी दोषी पुलिस कर्मी है, मामले को बचाने के लिए, छिपाने के लिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं बिहार के मुख्यमंत्री से ये अपील करूँगा कि इस पूरे मामले की विशेष जाँच दल SIT बनाकर उसका गठन किया जाए और पूरे मामले की जांच की जाए।
और बहुत गरीब परिवार है। लड़की की माँ फैजाबाद में रहती है, छोटा बेटा उसका एक भाई है, लड़की जो मर गई उसका भाई है छोटा, पिताजी भी मजदूरी करते हैं, बहुत गरीब हैं। तो सरकार को ऐसे परिवार की मदद भी करनी चाहिए, लेकिन मुख्य बात है कि किस तरह से पूरे मामले की नए सिरे से जांच किए जाने की आवश्यकता है कि लोग छोटा छोटा बाजार है, छोटी जगह है, तो तरह तरह की चर्चा होती तो सारी चीज़ों को बंद करने के लिए शख्स सुबह जो है पूरे मामले की जांच करके, क्योंकि ये विश्वसनीय नहीं कि एक आदमी हत्या कर देगा, और दूसरा वो जो हत्या की जगह है वो बताया अभी कि 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और लड़का का जो घर उससे भी 10-15 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पर वो कैसे पहुँचे, क्या हुआ, इस बीच में कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा था कि नहीं था, कोई सीसीटीवी कैमरे में कहीं कुछ कैद हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता है, बड़ी संख्या में पर दुकानें भी हैं, बाकी भी बाज़ार भी है, तो इसलिए पूरा मामला संदिग्ध लगता है, संदेहास्पद है, इसलिए पूरे मामले की SIT से और जाँच कराई जाए। क्या करें, DSP साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था सर, उसमें कहा गया था कि लड़का को अरेस्ट किया गया है, और जो कि लड़के के फैमिली हैं उनका कहना है कि लड़का चंदौती थाना में सरेंडर किया था, तो ये जो दियोभाषी चल रही है कि वहाँ सरेंडर किया है और यहाँ पे बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने उसको रेड मार के पकड़ा है, तो इसमें कहीं ना कहीं संदेह दिखता है। इसलिए ये सारी चीज़ तो SIT जाँच करेगी। आपने ठीक बात कही, इस तरह की और भी बातें हुई जो मेरी जानकारी में नहीं, सिर्फ पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, किसी को बचाए जाने की आवश्यकता नहीं है, तो कौन लोग हैं जो उनके दोस्तों को बचा रहे हैं, इस पूरे मामले की जांच की जाने की आवश्यकता है। सर, ये विधानसभा क्षेत्र में 12वां हत्याकांड है, वो भी नाबालिग लड़के के साथ, 12वां हत्याकांड 9 महीना के अंदर, लेकिन यहाँ के पुलिस प्रशासन इतनी लचर है कि अभी दुभल हत्याकांड का आरोपी पकड़ा तक नहीं गया। कौन कांड? दुभल में एक लड़की का हत्या कर दिया गया था, वहाँ का अभी तक पकड़ा नहीं गया, जो इमामगंज थाना से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे। मुझे पूरी जानकारी